मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। आपको इसी तरह क्वेश्चन और आगे भी पेपर समझाए जाएंगे और कराए जाएंगे। हमने जो भी पहले गोल्डन की पॉइंट और जो स्टाफ नर्स 2013 का पेपर कराया था उसमें जो क्वेश्चन थे उनमें से लगभग 10-15 क्वेश्चन आए हैं। इनमें जो नर्सिंग की पॉइंट करवाई है उनमें से आए, हम आगे बताते जाएंगे कौन सा कराया था कौन सा नहीं, वो सभी आए हुए हैं और आगे भी आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, जो आज का राजस्थान CHO का पेपर हुआ था 10/11/2020 को, जो आप देखिए उसमें क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। इसकी 80-90 से ज़्यादा मेरिट रहेगी, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं था जो क्वेश्चन किसी को ना आए। 10 क्वेश्चन को छोड़ के देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर राइट था डी, 7 अप्रैल को। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसके अंदर ऑप्शन नंबर देखिए सी, श्री रामनाथ कोविंद था इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, MTP एक्ट भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? एक आंसर देखिए इसका 1971। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी भारत से उन्मूलन किया गया है? इसमें से आप देखिए पोलियो, नाउ डेज अब जो इरेडिकेट हो गई है, कौन सी हुई है? पोलियो। इसके अंदर 6 रोग है, मलेरिया है, एड्स होता है, लेकिन पोलियो नहीं होता। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का आह्वान किसने किया था? इसका आविष्कार हुआ था MS स्वामीनाथन ने किया था, सी ऑप्शन राइट। सिक्स नंबर के भारत में स्वस्थ भारत अभियान का शुभारम्भ कब किया गया था? इसका 2 अक्टूबर 2014 को, जो गांधी जी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया? इसके अंदर राइट ऑप्शन हो गया ए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, निम्नलिखित में कौन सा रोग फिकोरल माध्यम से नहीं फैलता? फैलता कौन सा नहीं है? टाइफाइड होता है, कोलेरा हैजा होता है, हेपेटाइटिस ए होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट, ए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, दस्त रोग से मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा है? इसके अंदर होता है ऑप्शन नंबर सी, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों का मुख्य कारण क्या होता है? इसमें होता है निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी राइट, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बच्चों से सामान्य कैपिलरी रिफिल समय कितना होता है? इसमें नॉर्मल टाइम होता है 2-3 सेकंड, तो आप इसमें मान सकते हो 1 सेकंड से कम नहीं, 3 सेकंड से कम। इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, आप एक 6 माह के बच्चे का विकास का आंकलन कर रहे हैं, सामान्य लिखित में कौन सा ऐसे आप किसका हो तो हमें देख सकते हो 6 माह का बच्चा क्या कर सकता है? ये बच्चा समय बैठ सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट, बच्चा समय बैठ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में जन्म समय नवजात का वजन कितना होता है? 2.5 से 3.5 kg होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 14, जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय के लिए कंगारू मदर प्रदान करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कम से कम 1 घंटा, पहले अपने 1 घंटा देते हैं उसके बाद में अपने टाइम को बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेबर रूम का तापमान कितना होना चाहिए? इसके अंदर बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 26 से 28। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, निम्नलिखित में कौन सा हीमोग्लोबिन मानव के दूध में पाया जाता है? तो इसके अंदर IgA, क्वेश्चन नंबर इसका डी ऑप्शन राइट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, BCG वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है? इंट्राडर्मल
क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कॉपलिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलती है? ये होता है खसरा, मीजल्स में। 18 नंबर का सी राइट ऑप्शन होता है। 19 नंबर देखिए, समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS के लाभार्थी कौन होते हैं? इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष से छोटे वर्ष भी होते हैं, गर्भवती और जो स्तनपान करवाने वाले महिलाएं होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में इसके अच्छे का सबसे बढ़िया स्रोत क्या होता है? दूध। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट, दूध। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से नहीं होते? होते हैं प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ऐसे होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। 22 नंबर पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? आप ये देखिए, जो विटामिन KED मतलब कीड़ा, ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, और विटामिन बी और सी होते हैं वाटर सोल्यूबल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, निम्नलिखित में कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? तो ऑप्शन नंबर देखिए बी राइट, सनफ्लावर से ऑयल होता है उससे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर बी सकरवी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू होना चाहिए? तो इसको होना चाहिए 6 माह की उम्र पर, 6 माह तक अपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, 6 माह के बाद में मुझे कम्प्लीमेंट्री फूडिंग स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए, इसके टिश्यू रिपेयर के लिए अपने क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? डेंगू बीमारी के अंदर तेज बुखार होता है, आँखों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, हल्का बुखार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखिए 28, BMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके अंदर वैक्सीन बाइल मॉनिटरिंग। ऑप्शन नंबर वी राइट। क्वेश्चन नंबर 29, 9 मार्च विटामिन ए की डोज कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30, किस वस्तु को सतह को कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त डिस्क कंटामिनेटेड किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 31, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? तो इसके लिए अपने पहले जो दी जाती है ड्रग वो 9 माह के लिए होती हैं, लेकिन इसके बाद में अगर आप मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो ऑप्शन नंबर सी, कम से कम इसके अंदर 2 माह तक अपने क्या, इसके अंदर 2 वर्ष तक अपने क्या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस को का इलाज अवधि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, गर्भवती महिलाओं को टीटनस टॉक्सॉइड के 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? तो कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट, कम से कम 4 सप्ताह हैं, कम से कम 4। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी वैक्सीन जन्म से समय दी जाती है? BCOPV, हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, COVID-19 की बीमारी का कारक क्या है? वायरस। तो ऑप्शन नंबर वी राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट, 206। क्वेश्चन नंबर 36, टीबी की जाँच के लिए किसे किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? इसके लिए मोन्टेक टेस्ट, पी नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। इसमें ऑप्शन नंबर पी लीवर। क्वेश्चन नंबर देखिए, टेस्टिस द्वारा बनाए जाने हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए राइट। 39 क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर राइट, डी। क्वेश्चन नंबर 14, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? इसे इंडेक्स केस कहते हैं, पहले पाए जाने वाले को इंडेक्स केस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, 37 पर है 1000। क्वेश्चन नंबर 42, BMW से क्या तात्पर्य है? बायोमेडिकल वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट 42 का।
43 का रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को हाथ के किस ओर रखना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट नलियों के अंदर की ओर मीडियम की साइड अंदर की तरफ होती हैं और नीचे स्टेथोस्कोप लगा के अपने चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कुल प्रजनन दर कितनी होती हैं? 44 का सी, इसके अंदर अपनी अभी जो चल रही है 2.24% होती है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 45, टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 47, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर बी 47। क्वेश्चन नंबर 48, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औसतन कितनी आबादी के लिए स्थापित किया जाता है? यह है 20,000 से 30,000, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में राजस्थान की मात्र मृत्यु दर कितनी होती है? 49 नंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट, लगभग 200 है राजस्थान की। और अगर देखी जाए भारत की, तो भारत में 133 के करीब मानी गई है। देश में पिछली जनसंख्या कब की गई थी? 2011 में, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती हैं? ऑप्शन नंबर सी, इसके अंदर अपना मान जाता है 17%, नाउ 17.5% रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट, 0.5 mg/L। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? 2000 में, ऑप्शन नंबर डी राइट, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 2005 में। 55 नंबर, आशा सहयोगिनी कितनी आबादी के लिए होती है? ये 1000 ओनली, ऑप्शन नंबर बी राइट। 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये होता है नारू रोग, ऑप्शन नंबर सी राइट। 1989 को इसका इरेडिकेट हो गया था। जन्म और मृत्यु दर पंजीकरण का अनुमान अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए होता है? ऑप्शन नंबर डी 21 दिवस। खसरा वैक्सीन का रूट क्या होता है? सबकुटेनियस मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी राइट। 59 का, एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, हमने ये क्वेश्चन हमने हमारे गोल्डन की पॉइंट में करवाया था, ये मिजल्स का भी करवाया था। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों में 10 रोग के इलाज के लिए ORS के साथ किस दिया जाता है, क्या दिया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जिंक। क्वेश्चन नंबर 61, प्रसोवत्तर रक्तस्राव में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती? मिफेरिस्टोन, ऑप्शन नंबर सी मिफेरिस्टोन काम में नहीं ली जाती। प्रसव की समावित तिथि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ पता लगाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? 9 माह 7 दिन, ये ऑप्शन नंबर सी राइट, ये क्वेश्चन हमने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर देखिए, गर्भवती महिला में सामान्यतः समर्थन दर कितनी होती हैं? ये होती हैं 18-24 प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी राइट। 64, फिटोस्कोप से फिटल हार्ट साउंड जो कितनी बार कितने अवधि के बाद सुनी जा सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर क्या होता है 64 के अंदर, देखिए आप पी नंबर ऑप्शन, इसका पी सप्ताह बाद सुनी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को अनीमिया कहा जाता है? तो इसके अकॉर्डिंग 11 ग्राम% कम हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंट्रावेट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का क्या तात्पर्य है? तो इसका इंट्रावेट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, समाते फीटल हार्ट रेट कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट, 120 से 160 प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्येक पर सब पूर्व जांच में निम्नलिखित जांच की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 68 बी नंबर ऑप्शन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर यूरिन एल्बुमिन चेक करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट।
क्वेश्चन नंबर 69, एक गर्भवती महिला को 4 माह के पर्व टेटनटोक्सिक का पहला टीका लगाया था, अब वह 8वें माह से जांच हेतु आई है, आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगी? तो इसका टीटी का दूसरा टीका 69 नंबर देखिए लगाएंगे, टीके का दूसरा टीका लगाएंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 70, हीमोग्लोबिन की मात्रा जांचने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर वी राइट एन अपॉन 10 SCL। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमणों के लिए जांचना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफाइलिस। क्वेश्चन नंबर 74, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटों का अंतराल होता है? यह 4 घंटों का। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 37, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को रक्त स्तनपान करवाना शुरू होना चाहिए? जितना एज बल्ब फॉसिल ये हमने करवाया था 1 घंटे के भीतर। ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर सामान्य पर समय औसतन कितना खून बह सकता है? ऑप्शन नंबर सी राइट। 75, बायोमेडिकल बेस्ट रूल के अनुसार प्लासेंटा को किस थैली में डाला गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण क्या है? रक्त स्राव, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, असुरक्षित यौन संबंध के बाद कितने समय के भीतर आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली का लेने से गर्भ खेने की संभावना कम होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट, 72 घंटे। 78, प्रसवोत्तर वंध्याकरण प्रसव के कितने समय पश्चात किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 78 का होगा सी नंबर 48 से 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 79, बेसेक्टोमी के बाद कितने समय तक किसी को परिवार योजना का अन्य तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? 3 माह तक। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 80, लिवो नोरगेस्टेड LNG IUCD कितने समय बदल लेना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 81, इसके नॉर्थी ड्रोन इनेथन गर्भधारण से कितने समय के लिए बचाता है? 81 का होगा ऑप्शन नंबर सी 3 माह। क्वेश्चन नंबर 82, IUCD का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है? ये होता है एक्सेसिव मेंसुरल फ्लो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, HIV संक्रमण पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई? ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न एनालाइजा टेस्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 84, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली पोषण संबंधी कमी कौन सी है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, विश्व में किशोरावस्था में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? किशोरावस्था में सड़क दुर्घटना। सी, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो पाया जाता है दोनों में, पुरुष और महिलाओं में, ऑप्शन नंबर डी। किशोर बालक बालिकाओं में डी वर्मिंग के लिए कैल्बेंडाजोल की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर सी राइट, 400 mg/OD पर हॉर्स। गैर संक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपर्क द्वारा नहीं फैलता, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 89, किसी वैसे व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसके अंदर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, क्योंकि ये कम होता है इसलिए नहीं माना जाता, ये ज़्यादा होता है इसलिए नहीं माना जाता, और ये नॉर्मल है नहीं इसलिए माना नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर, मधुमेह के रोगी के प्रमुख लक्षण क्या होता है? इसके अंदर पोलीयूरिया होता है, पोलीडिप्सिया होता है, पोलीफेजिया होता है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर, सामान्य व्यक्ति में HbA1c की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट होता है, 6 से कम। 92, किसी वयस्क में रैंडम ब्लड शुगर कितनी मात्रा में मधुमेह का संदेह होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी राइट, 200 mg से ज़्यादा। मधुमेह की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी राइट। मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है? ऑप्शन नंबर डी राइट, ये लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से और रक्त के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से नहीं फैलता। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित सभी कारण संतान कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाय एक के? तो इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर दें
ऑप्शन नंबर सी राइट। कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध से नहीं, अत्यधिक वजन से हो सकता है, लेट मेनोपॉज से हो सकता है, शारीरिक व्यायाम न करने से हो सकता है। 96 नंबर, स्तन की समय जांच करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? महावारी के प्रथम दिन के सेवन से 10 दिन बाद। ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 97, गर्भावस्था के दौरान तंबाकू सेवन से क्या हो सकता है? कम वजन वाला बच्चा, सी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, इंसुलिन इंजेक्शन समय से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए डायबिटीज फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर ए, सामान्य मानव शरीर विकास के लिए प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? इसके लिए होती है 100 से 150 माइक्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 100, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल में की जाती है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट। ये अपने अपने राजस्थान CHO का एग्जाम पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देखते रहिए हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट से जुड़े रहिए, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्व कराया जाएगा, हर तरीके से आसान तरीके समझाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और आगे भी आप जुड़े रहिए, हमें आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।